हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सोलो कॉन्करर लॉबी गेम प्ले वीडियो। में गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले मेरे को अपना रैंक और टीयर यहाँ पे कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना, और यहाँ पे किसी भी बंदे को रैंक कुछ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मेरे को यहाँ पे एक बार जरूर से बता देना। अभी देखो यहाँ पे फाइनली अपना जो टॉप 10 है वो यहाँ पे हो चुका है, एंड मैंने यहाँ पे कल कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा। लेकिन अपना यहाँ पे जो मेन टारगेट है वो यहाँ पे इस सीजन #1 रहने वाला है, सो देखते हैं अपने को यहाँ पे और कितना टाइम लगेगा। तो फिलहाल बढ़ते हैं यहाँ पे आज के सीधा गेम प्ले की तरफ। अभी यहाँ पे कैसे था कि मैं यहाँ पे इवेंट पे को जाता हूँ एंड यहाँ पे अपने को 2 किल भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं BGMI वालों ने यहाँ पे ये जो सिकल है यहाँ पे क्यों दे रखा है। यहाँ पे मैं एल्ट मार रहता हूँ और बंदा अचानक से आता है और एक सिकल मारता है, अपनी यहाँ पे जो पेटी रहती है वो यहाँ पे बन जाती है, एंड इसकी वजह से यहाँ पे जो अपनी पेटी है पता नहीं कितनी बार बन चुकी है। अभी आप लोगों की यहाँ पे कभी ऐसी पेटी बनी है मेरे को यहाँ पे एक बार जरूर से बता देना। फिलहाल मैं यहाँ पे अपनी लूट कंप्लीट करने के लिए सिटी के साइड आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे एक बंदा अपने पे सीधा पुश करने के लिए आ जाता है, एंड अभी इस बंदे पे ना यहाँ पे DBS रहती है, तो देखो अब यहाँ पे लिटरली मेरी जो हवा टाइट हो रखी थी ना मैं आप लोगों को यहाँ पे बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी शॉटगन से दुश्मनी है वो यहाँ पे बहुत गंदी वाली है। फिलहाल अभी इस बंदे को मैं यहाँ पे किल कर देता हूँ। एंड अभी इस बंदे को यहाँ पे किल करने के बाद अपने को यहाँ पे एक दो बॉट भी मिल जाते। अभी देखो यहाँ पे जो जोन था वो यहाँ पे काफी ज्यादा छोटा चुका था, एंड मैं यहाँ पे शॉप की साइड जा रहता हूँ तभी यहाँ पे अपने को एक बंदे का फुटस्टेप आता है। अभी इस बंदे पे मैं यहाँ पे एक नेट ट्राई करता हूँ, जिससे जो बंदा रहता है यहाँ पे इजीली किल हो जाता है। शायद से इस बंदे को यहाँ पे अपना फुटस्टेप आया रहता है नहीं। अभी इस बंदे की पेटी से ना यहाँ पे अपने को अच्छी खासी लूट भी मिल जाती है, यहाँ पे अपने पास अच्छी खासी कॉइन्स भी रहते, तो मैं यहाँ पे फ्लेयर मंगवा लेता हूँ। अब इस वाले स्क्वाड पे मैं यहाँ पे फ्लेयर चलाने के लिए आ जाता हूँ, तभी यहाँ पे एक US वाला बंदा रोटेशन दे रहा रहता है, एंड उसी समय यहाँ पे जॉर्जो की साइड से एक बंदा यहाँ पे ओपन में आ रहा रहता है, एंड अभी ये जो बंदा रहता है यहाँ पे US वाले बंदे को किल कर देता है, एंड इस बंदे को मैं यहाँ पे किल कर देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे जो अपना BIDM था वो यहाँ पे आ चुका था, तो यहाँ पे बढ़ते सीधा लास्ट जोन की तरफ। अभी यहाँ पे जोन के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो सामने कंपाउंड रहते हैं वहां पे 2 बंदों की फाइट चल रही रहती है। तो मैं इन बंदों का यहाँ पे वेट करने लग जाता हूँ, बिकॉज मेरे को यहाँ पे मालूम था यहाँ पे बंदा बग्गी लेने तो जरूर से आएगा। फिलहाल इसको यहाँ पे किल कर देते हैं, एंड मैं भी यहाँ पे इस 10 जोन के अंदर निकल जाता हूँ। अभी यहाँ पे जोन के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो अगला जोन था वो भी यहाँ पे अपने पास में बन जाता है, तभी मेरे को यहाँ पे सामने की साइड एक बग्गी स्पॉट होती है। तभी मेरे को यहाँ पे जो बंदा रहता है वो भी यहाँ पे स्पॉट हो जाता है, एंड ये जो बंदा रहता है यहाँ पे काफी ज्यादा लो रहता है, तो इस बंदे को यहाँ पे किल करने में कोई दिक्कत होती है नहीं।
यहाँ पे जोन के एच पे आने के बाद यहाँ पे एक बग्गी वाला बंदा आता है जिसको मैं यहाँ पे एक हेड चिपका देता हूँ। तो ये जो बंदा रहता है यहाँ पे सामने कंपाउंड में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड वाला बंदा रहता है इस बंदे को यहाँ पे किल कर देता है। अभी यहाँ पे जो कैप्सूल वाला बंदा रहता है पता नहीं यहाँ पे अपने में बेमतलब में उंगली कर रहता है फिलहाल यहाँ पे, तभी सामने की साइड से एक बंदा यहाँ पे उड़ के आता है। अभी यहाँ पे जो कैप्सूल वाला बंदा रहता है ना, इस बंदे को यहाँ पे किल कर देता है एंड इस बंदे को मैं यहाँ पे किल कर देता हूँ। यहाँ पे जो जोन रहता है वो यहाँ पे सामने वाले कंपाउंड में पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है एंड मेरे को छोड़ के अभी यहाँ पे सिर्फ 3 ही बंदे बाकी थे। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे बाकी थे, तभी मेरे को यहाँ पे जो दूसरा बंदा रहता है यहाँ पे शेड पे बैठा हुआ स्पॉट हो जाता है, इसको मैं यहाँ पे नेट से फोड़ देता हूँ। और अभी यहाँ पे सिर्फ 1v1 की फाइट बची थी। अभी ये जो बंदा रहता है यहाँ पे अपने को हल्का सा डैमेज देने के बाद अपने पे सीधा पुश करने के लिए आ जाता है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे इजीली किल कर देता हूँ। और इस वाले गेम में यहाँ पे अपने को अच्छा खासा 32 का प्लस मिल जाता है। तो बढ़ते हैं यहाँ पे आज की सीधा सेकंड गेम प्ले की तरफ। अभी इस वाले गेम में यहाँ पे अपन जो बंदे को नेट से फोड़ने वाले ना, बस देखते जाओ। फिलहाल मैं यहाँ पे इवेंट पे कूदा रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे अपनी जल्दी से पेटी बन जाती है। फिलहाल यहाँ पे अपनी लूट कंप्लीट करने के बाद और यहाँ पे 4 जोन के बाहर लूट करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इस जोन के अंदर एंड अभी देखो यहाँ पे काफी जागी पोजीशन निकालती है। अभी देखो यहाँ पे जो जोन था वो यहाँ पे पूरा कंपाउंड एरिया में बना हुआ था, तो अपन यहाँ पे जोन के एज पे तो कहीं पे होल्ड कर सकते थे ही नहीं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेंटर पे पुश करने के लिए आ जाता हूँ एंड अभी वाले जो कंपाउंड रहते हैं लकीली अपने को यहाँ पे खाली मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्क्वाड हाउस पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे अपने को एक बंदे का फुटस्टेप भी आ जाता है, लेकिन ये जो बंदा रहता है यहाँ पे अपने पे पुश करने का नाम ही नहीं लेता है। तो इस बंदे पे मैं यहाँ पे नेट वेट करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड इस बंदे को यहाँ पे नेट से फोड़ देते हैं एंड अपने को यहाँ पे अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करने के मिल जाती है एंड यहाँ पे जो जोन अपना बैक टू बैक साथ देता है ना, बस देखते जाओ।
अब इस बंदे को यहाँ पे किल करने के बाद यहाँ पे एक क्यूएस वाले बंदे की रोटेशन आती है जिसको मैं यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ। तो इस बंदे पे मैं यहाँ पे सीधा पुश करने के लिए चला जाता हूँ एंड इसको यहाँ पे जो डीपीएस चिपकाई है ना कसम से यहाँ पे स्वाद आ गया। अभी मेरे को यहाँ पे सामने वाले कंपाउंड से एक बंदे का फुटस्टेप आता है तो मैं इस बंदे पे मैं यहाँ पे नेट करने वाला ही था कि तभी मेरे को यहाँ पे एक टासे वाला बंदा रोटेशन देते हुए स्पॉट हो जाता है जिसको मैं यहाँ पे इजीली क्लिक कर देता हूँ। भाई साहब अपने यहाँ पे जो बंदों को नेट से भरा है ना कसम से यहाँ पे स्वाद आ गया। फिलहाल अब यहाँ पे सिर्फ बनी वन की फाइट बची थी तो देखो अभी इस बंदे से यहाँ पे जो अपनी फाइट रहती है ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा लंबी चलती है बिकॉज अपन दोनों पे यहाँ पे डीबेस रहती है तो अपन यहाँ पे फेस टू फेस फाइट तो ले सकते थे नहीं, लेकिन एट द एंड इस बंदे को भी यहाँ पे इजीली किल कर देते और इस वाली गेम में अब अपने को अच्छा खासा प्लस भी मिल जाता है। तो बस यह था आज का वीडियो। अगर आपको यहाँ पे गेम प्ले जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो मार ही देना। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।